अच्छा छोटी तू जा, तू कॉलेज के लिए लेट हो रही होगी। ठीक है भैया। इसे क्या पता मैंने इसके बैग में हुक लगा दिया है, अब मुझे पता चलेगा ये कॉलेज जाती है या फिर मेरे अंधेपन का फायदा उठाती है। आज तो मैं पता लगा के ही रहूंगा आखिर ये जाती कहाँ है। अरे कुछ नहीं यार, वो जो मेरा अंधा भाई है ना, वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता है, जीना आराम कर रखा है मेरा। अरे वो सब छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ, मैंने जो तुम्हें प्रॉपर्टी के पेपर दिए थे तुमने उसमें अपने अंधे भाई के साइन करवाए या नहीं? कहाँ यार, कहाँ साइन करवा पाई। मेरा भाई ना अंधे के साथ साथ ना चलाक भी बहुत है, काफी बार ट्राई किया कि साइन करवा लूं लेकिन कोई ना कोई बहाना बना के ना टाल देता है। यार सिमरन अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वो प्रॉपर्टी कभी हमारे हाथ नहीं लग पाएगी। हाँ यार, मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे उस प्रॉपर्टी को अपने नाम कराऊं। और जब तक ये प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं होगी ना, तब तक हम ये शहर छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकते हैं। वही तो यार सिमरन, अगर एक बार वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई ना, फिर हम उसे बेच के तुम्हारे अंधे भाई को छोड़ के किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। रोहित मुझे ना थोड़े समय और दो, इस बार ना मैं कैसे भी करके अपने उस अंधे भाई से ना साइन करवा के ही मानूंगी। वाह छोटी वाह, अपने ही भाई को धोखा देना तो कोई तुझसे सीखे। भैया आप यहाँ कैसे पहुँचे? मैं यहाँ इस रस्सी के सहारे पहुँचा हूँ। जब तू कॉलेज का बहाना करके घर से निकली थी ना, तो मैंने तेरे बैग में ये हुक लगा दिया था और इस रस्सी के सहारे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे तो तेरे ऊपर उसी टाइम शक हो गया था जब तू साइन करवाने के लिए मेरे पीछे घूमती रहती थी। नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, आपको ना कोई गलत फहमी हो रही है, वो तो मेरे कॉलेज के पेपर्स थे। अरे बस कर छोटी, और कितना झूठ बोलेगी, मैंने यहाँ पे खड़े होके ना तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है कि वो पेपर कॉलेज के नहीं थे, वो पेपर मेरी प्रॉपर्टी के थे जिसपे तू मेरा साइन करवा के प्रॉपर्टी अपने नाम करके फिर उसे बेचना चाहती थी। छोटी माँ बाप के जाने के बाद मैंने तेरी हर एक ख्वाहिश पूरी की, कभी भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी और तूने मेरे ही पीठ पीछे खंजर घोपा, ये तूने ठीक नहीं किया छोटी, जो तू मेरे अंधे होने का फायदा उठा रही थी। नहीं नहीं भैया, जैसा आप सोच रहे हो ना ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कर छोटी, और कितना झूठ बोलेगी, आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। और हाँ उस घर में ना तेरे लिए अब कोई जगह नहीं है, इसलिए दोबारा उस घर पे कदम मत रख देना। जा रहा हूँ मैं, और मेरे पीछे आने की कोशिश भी मत कर लेना। जिन पे हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं ना, कभी कभी वही हमारे पीठ में खंजर घोंप देते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आगे भेजें। जय हिंद जय भारत।